the real identity of Mask Neander. नकाबपोश नियंदर जब भी कोई मदद के लिए पुकारता है ये फौरन ना पहुंचते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर उस जगह जहाँ पहुंचता है जहाँ पहुंचने की उम्मीद तक ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब वो खबरों में ना हो। क्या नियंदर हमेशा ऐसा ही रहेगा? कसरदार लगता है पर कड़वा है। सबसे ताकतवर कौन? मैं नियंडर, मेरे आगे कुछ नहीं, सबको मेरी जरूरत है। नियॉन सर, कितने हैंडसम हैं आप। पर नियंडर नकाब क्यों पहनता है? मुझे नहीं लगता लोगों की मदद करने के लिए नकाब पहनना जरूरी है। आखिर नकाब के पीछे राज क्या है? हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि दुनिया जाने कि वो कौन है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ना कोई राज छुपा हो उस नकाब के पीछे। हो सकता है नियंडर अगर नकाब निकाल कर सामने आए तो उसके मशहूर होने का ग्राफ नीचे की ओर उतरता चला जाएगा। हे, अगर ये बात है तो नियॉन को मौका मिल सकता है अपना नाम रोशन करने का। तुम क्या कहती हो कौन? ये कभी नहीं सुधरने वाली, हर बार जल्दी में रहती है। ठीक कहा, जरूर उस नकाब के पीछे उस नियंडर का बदसूरत सा चेहरा होगा। हाँ, और उसका भद्दा सा चेहरा देखकर सब उससे नफरत करने लगेंगे। और नियंडर की असलियत दिखाने के बाद मैं बन जाऊंगा सबसे मशहूर कैच, और क्या, अगला हीरो नंबर वन होऊंगा मैं, और कौन। कोई नहीं सर, कोई नहीं। और मैं उस नियंडर को बेनकाब करूंगा, लेकिन कैसे? हाँ, क्यों ना आप एक नाई बन जाए। नाई क्यों? अपने बाल कटवाने के लिए उसे अपना नकाब उतारना पड़ेगा, है ना? बढ़िया है, पर क्या नियंडर नाई की दुकान में आएगा? जरूर आएगा सर। हाँ, नियंडर हमेशा शहर की दाईं ओर से आता है, हम भी उसी ओर जाकर पता लगाएंगे, हो सकता है हमें वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। मुझे कोई बताएगा आखिर ये नकाबपोश नियंडर है कौन? शायद वो कोई ऐसा है जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो नकाब पहनता है ना नियागो? जो भी नियंडर की असलियत सामने लाएगा उसे टीवी पे आने का मौका मिलेगा। अब तो कुछ भी हो जाए हमें नियंडर की असलियत का पता लगाना ही चाहिए। तो क्यों ना हम सब मिलकर जासूसों की एक टीम बना ले? ये ठीक रहेगा, इसके मेंबर्स होंगे मैं, तुम और नियागो। कैसा रहेगा? ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, चलो मेरे रिसर्च रूम में चलते हैं। ये एक कम्युनिकेटर है, ये सिग्नल्स पकड़ता है। ये काम कैसे करता है? अगर बैच लगा दें और फिर अगर इसे घुमाते हैं तो ये उंगली उसे ढूंढने लगेगी और फिर सिग्नल पाकर सही जगह इशारा करेगी। अगर हम ये बैच नियंडर पे लगा दे तो ये हमें लगातार सिग्नल देता रहेगा। बिल्कुल ठीक समझे। तो अब ढूंढते हैं नियंडर की असलियत को। मुझे इसका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके साथ फोटो खिंचवानी है। अब मैं नियंडर को बुलाती हूँ। कैसे समझाऊं? रुको, अब मेरी बात सुनो, ये गलत बात है, तुमने मुझसे झूठ कहा। अगर ऐसे करती रहोगी तो जब सच में मदद चाहिए होगी मैं नहीं आ पाऊंगा। पर हमें पता है तुम जरूर आओगे। हाँ, हमें जब भी जरूरत होगी तुम मदद करोगे ना, है ना? हाँ, ये बिल्कुल करेगा। मैं करूंगा, पर
मुझे सिर्फ तब बुलाएं जब तुम सच में मुसीबत में हो, तब मैं जरूर मदद करने आऊंगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। मैं चला। अब सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, नियांडर का घर यहीं कहीं है। हाँ तो चलो हम भी उसी तरफ चलते हैं। हाँ। तुमने सुना इन बच्चों ने क्या कहा? मैंने देखा उन बच्चों के पास डिवाइस है। हाँ पर क्या तुम्हें लगता है कि हम इस डिवाइस की मदद से नियांडर का घर ढूंढ पाएंगे? हाँ, शायद ढूंढ पाए। हाँ तो चलो पहले इस यंत्र को चुराएं। चलिए उनसे चुरा लाए। लेकिन हम जरा जल्दी में हैं। पर अगर मदद कर दें तो? प्लीज प्यारे बच्चों मदद कर दो। यहाँ तो चलो भी। पहले इसे तो रख दो। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई वही है। चुप जाओ। हाँ तो क्या ये नियांडर है? ऐसा लगता तो है। हाँ तो वो एक लड़की है इसलिए नकाब पहनती है। हाँ इसका मतलब अब तक हम एक नन्ही बच्ची से हार रहे थे। ओ कितनी शर्म की बात है। हाँ सुनो कौन, चलो चलो यहाँ से चलो। रुक जाओ हमें नकाब पोश नियांडर मिल गया है। बस अभी तुम कुछ मत कहना, हमें पता चल गया है कि तुम ही नकाब पोश नियांडर हो। हाँ हमसे कोई चालाकी मत करना क्योंकि तुम्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। मैं नकाब पोश नियांडर हूँ। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? पर तुमने तो बचाओ बचाओ नहीं कहा, अगर कहा होता तो मैं फौरन चली आती। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखाए। ओके अब तुम फौरन नियांडर बनकर दिखाओ। चलो जल्दी करो। पर क्यों? अगर तुम सचमुच नकाब पोश नियांडर हो तो तुम्हें अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ना चाहिए। चलो जल्दी उड़कर दिखाओ। मैं एक लड़की हूँ और क्या तुम्हें नहीं पता लड़कियाँ किसी के सामने कपड़े नहीं बदलती। मेरे ख्याल से ये भी ठीक कह रही है। तो है। तुम लोग आंखें बंद करो, 30 तक गिनो, तब तक मैं बदल लूँगी। हमें मंजूर है। पर चीटिंग मत करना, ये अच्छी बात नहीं होती अंकल। अंकल? ओके अब मैं नहीं देख रहा, जल्दी करो। 1, 2, 3, 28, 29, 30 हो गया, बदल लिया कि नहीं? आई कहाँ गई? उसका पीछा करो, पीछा करो उसका, वहाँ गई है। अच्छी तरह नहाने भी नहीं देता। नियांडर का मैन, बचाओ। ये क्या, नियांडर मदद के लिए पुकार रहा है, अब इसकी मदद कौन कर सकता है बताओ? आप करेंगे तो मशहूर हो जाएंगे। मैं ही नियांडर की मदद करूंगा, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। गुड लक सर। हाँ मैं आया। और ये क्या, सुनो पेड़ों पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। नियांडर तो नियांडर है, कितना स्मार्ट है।
वाला नियांडर कैसे बन सकती हूँ? छी, जानी पहचानी खुशबू है। ऐसा ही क्यों होता है? कौन है ये नियांडर? है कौन है ये? सभी जानना चाहते हैं ये नियांडर है कौन? क्या मिको जानती है नियांडर कौन है? देखते हैं नियांडर की अगली कहानी में।